पकड़ी गई 6 करोड़ की शराब, पुलिस ने पूरे प्रदेश में चलाया विशेष अभियान। अवैध शराब बेचने परिवहन को लेकर किया ऑपरेशन। राजस्थान पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए राज्य में अभियान चला रखा है। इस दौरान शराब की धरपकड़ के लिए लगातार 30 घंटे ऑपरेशन मदीरा घर चलाया गया। इस दौरान 6 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई। दरअसल राजस्थान के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया गया था। डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश के समस्त जिलों के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए बधाई दी। इस ऑपरेशन के नोडल अधिकारी आईजी विकास कुमार स्टाम्प क्लब वॉर रूम के माध्यम से ऑपरेशन मदीरा घर पर नजर बनाए हुए थे। इस ऑपरेशन की प्रभावी व्यूह रचना के साथ माध्यम से अभियान की मॉनिटरिंग की जा रही थी। आईजी विकास कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को अवैध शराब के खिलाफ 30 घंटे का प्रदेश में अभियान चलाया गया, जिसमें 2 लाख लीटर से भी ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 6 करोड़ से भी ज्यादा है। ऑपरेशन मदीरा घर में प्रति जिला औसत 18 लाख से ज्यादा कीमत की शराब जब्त हुई। इस अभियान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब के साथ दौसा जिला अव्वल रहा। सिरोही जिले में भी जब्ती की कार्यवाही 1 करोड़ से ज्यादा रही। श्रीगंगानगर, जैसलमेर और नागौर जिला पुलिस की कार्यवाही भी शानदार रही है। 30 घंटे के अभियान में पुलिस ने रिकॉर्ड बताते हुए 10 लाख लीटर से भी ज्यादा शराब जब्त की। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इस कार्यवाही के लिए विशेष आदेश जारी किए गए थे, जिस पर सभी पुलिस अधीक्षकों ने इसे बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया। जब्त शराब की बाजार कीमत 6 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। हर जिला पुलिस ने औसत 18 लाख रुपए की शराब जब्त की। ऑपरेशन मदीरा घर में दौसा जिला 1 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त करने में अव्वल रहा। वहीं सिरोही जिला पुलिस ने इस कार्यवाही में 1 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ी। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, नागौर की कार्यवाही भी शानदार रही। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 3 सप्ताह में ही काफी ज्यादा अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। पुलिस वॉर रूम के माध्यम से ऑपरेशन मदीरा घर की पल पल की कार्यवाही पर नजर रखे हुए है।